जो ना के पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर भी उनके बहुत चर्चे हैं एक ऐसी प्रोडक्ट है हमारे पाकिस्तान में जो बनती है जो पहले गुमनाम थी और बाहर तक भी जा रही थी तो ऐसे ही हमने कहा क्यों ना जिसकी इतनी ज़्यादा तारीफें हो रही हैं क्यों ना हम उनको ढूंढें और पता करें कि आखिर ये है क्या चीज़ घर से घर तक के नाम से जो मशहूर है और जाना जाता है आइए उन घर से घर तक के ऑनर राना हसन भाई से पूछते हैं कि आखिर ये घर से घर तक है क्या और ये कब से शुरू हुआ और ये आइडिया कैसे असलकुम हसन भाई जी वाले कैसे हैं खैरियत से जी सब ठीक ठाक जी अच्छा हसन भाई हमने बहुत सुना नाम पाकिस्तान के स्टार्स हैं उनसे हमने सुना तो हमने कहा क्यों ना यार ये पता करें ये है क्या चीज़ तो ये कब से आपने आगाज किया ये घर से घर तक का ये हम हम लोगों ने जो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी कोई आज से तकरीबन पाँच साल हो गए हम लोगों को पाँच साल से हम लोग इस काम में हैं लेकिन अभी ये है कि Uh, मशहूर अब हम लोग जो है ना तकरीबन साल डेढ़ साल हो गया हम लोगों को अलहमद और वो इस वजह से कि हम लोगों की बर्फ़ी बड़ी ज्यादा मशहूर है और वो लोगों को पसंद आ रही है इस वजह से तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि हमें तकरीबन पाँच साल हो गए हैं इस काम के अंदर तो आसनभी आइडिया कैसे आया घर से घर तक ये एक मुनफरसा नाम है घर से घर तक जी अच्छा ये आइडिया हमें इस तरीके से आया था कि हम दो भाई हैं और माशाल्लाह जैसे आप मुझे देख रहे हो मैं हेल्दी हूँ इसी तरह मेरा भाई भी इसी तरह से हेल्दी है और हम लोग जो थे हम लोग कोई शॉप पे खड़े होकर सारा दिन काम नहीं कर सकते तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग घर में प्रोडक्शन करेंगे कोई ना कोई ऐसी चीज़ डेवलप करते हैं जिसको फिर हम लोग जो है ना डिलीवर करवा दिया करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने घर से स्टार्ट किया था मैं था मेरी वाइफ थी भाई था तो हम लोगों ने तीनों चारों लोगों ने मिल अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की और फिर हम लोगों ने उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते तो अब अलहमदल्ला अब हम लोगों का ऑफिस है और प्रोडक्शन यूनिट हमारा अलग से है तो अब अब अल्लाह का करम है जी के चल रहा है सिस्टम शुक्र अल्लाह का जी अच्छा जिस तरह आप कह रहे हैं जिस तरह आप हेल्दी हैं तो ये जाता है कस्टमर्स के लिए हाँ जी बच जाता है बिल्कुल बच जाता है हम लोग बनाते ही ऑर्डर्स पे हैं जितने ऑर्डर्स आते हैं तो उस हिसाब से बनाते हैं तो अपना ऑर्डर अलग होता है हाँ बस हम लोग भी बीच में से चेक चुक लेते हैं जी तो हसन भाई इस पर इतनी मेहनत करनी पड़ी आपको जाहिर है बा, काफी बाहर तक चला गया ये ब्रांड आपका हाँ जी अच्छा इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी है भाईजान इसमें हम लोगों को तकरीबन आपको मैं जैसे बताया कि हमने पाँच साल पहले स्टार्ट किया था और स्टार्ट में हम लोगों के बड़े बैच खराब हुए बड़ी चीजें हम लोगों ने जाया की करते करते अब इस मकाम पे पहुंचे हैं कि अब हम लोगों का अलहमद एक नाम है एक चीज हम लोग डिवेल्प कर चुके हैं और इसमें वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है कोई आसान काम नहीं है किसी किसी भी चीज़ को डिवेल्प करना बर्फी काफ़ी लोग बनाते हैं और मतलब हर बंदे को इस तरह अल्लाह तला नहीं देता है अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम आपके साथ बैठे हैं बात कर रहे हैं जी जी तो इसके बारे में लोग क्या कहते हैं जाहिर हम तो सुनकर आए तो अब क्या लोग कहते हैं इसके बारे में जाहिर आपके पास तो मेसेज और इस तरह लोगों के अच्छा हम लोगों की क्योंकि ऑनलाइन सेल्स हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हमें कस्टमर्स के साथ हर वक्त ही रहता है थ्रू इंस्टाग्राम भी अपने वेबसाइट के ऊपर भी और फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी तो अब हम लोगों को अलहमदल अभी यानी कि जब भी जो भी कस्टमर को नया बंदा जिसने फर्स्ट टाइम ट्राई की हो तो उसको बड़ी अच्छी पसंद आती है उन्हें लगता है कि वाकि यार इस चीज के अंदर को मेहनत तो हुई हुई है और ये बिल्कुल खालिस दूध से बनी हुई है इस वजह से हर बंदे को इवन के जो बाहर के मुल्कों में अंग्रेज हैं गोरे हैं वो खाते हैं उन्हें भी बड़ी पसंद आती है Yeah. Good yeah. gravy, so good. I need mean, I like it. Hello everybody. My name is Stefano. I live in Bergamo.

और आप इसको खोया निकालें उसका और फिर बेहतरीन बर्फ़ी बनती है अब दूध ही तो खालिश मिलता नहीं है लोगों को शहरों में तो बिल्कुल ही पीने के लिए दूध नहीं मिलता तो बर्फ़ी के लिए कहाँ से मिलेगा तो ये तो बड़ी मुश्किलों से हम लोग जो है ना ये अरेंज करते हैं और हम लोग सही वाल से दूध अपना इकट्ठा करते हैं खोया तैयार करते हैं फिर यहाँ पर उसकी बर्फ़ी की प्रोडक्शन करते हैं तो ये ख़ालिश दूध सबसे मेन और अहम चीज़ है इसके अंदर उसमें कोई मिलावट ना हो उसमें कोई सूखा दूध वगैरह ना डाला हुआ और इसमें ये केमिकल्स वगैरह लोग और बहुत कुछ मिक्स करते हैं तो ये ख़ालिश हो तो बड़ी बेहतरीन बनती है जी बर्फी हाँ जी। और भी लोग ठीक है आपका जो, जो टेस्ट है नहीं किया वैसे खोया बनाने के लिए मशीनें आप आ चुकी हुई है जिसमें आसानी से आप बना सकते हैं लेकिन फिलहाल हम देसी तरीके से जो रवायती तरीका चलता आ रहा है फिर बर्फी बनाने का और बनाने का हम उसी तरीके से बना रहे हैं मैनवली होम और हैंडमेड चीजें हैं तो अभी फिलहाल हम लोग इसमें कोई ऐसी मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया हम लोग मतलब ऐसे कोई मरालात नहीं है जिनसे ज्यादा गुजारा जिस प्रॉपर जिस तरह कढ़ाई के अंदर आपने दूध डाला है उसके खोया तैयार किया खोया तैयार करने के बाद फिर उसको बर्फी के लिए एक प्रोसीजर है तो ये उसी तरीके से बनती है और बस आपको बताया कि मेहनत है मेहनत वाला काम है तो हर बंदा अब इतनी ज्यादा करता भी नहीं है कि खोया निकालना पूरी पूरी रात लग जाती है उसके अंदर तो ये इस वजह से यानी कि मेहनत वाला काम है लोग अब शॉर्टकट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं मिक्सिंग की और तैयार कर लिया ये खास वजह इसकी यही है तो हसन भाई इसकी क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है तो ओरिजिनल चीज़ में ज़ाहिर चीज है औरिजिनल चीज़ें डलती हैं तो एक किलो के अंदर कितना इसके अंदर दूध डलता है और कितनी इस तरह चीज़ें डलती है जी जी खोया बनाने से लेके बर्फ़ी बनाने तक के प्रोसीजर के अंदर तकरीबन आप कह लेंगे खालिश दूध हो तो तकरीबन छः सात किलो दूध आपका लग जाता है ईज़ीली एक किलो के अंदर एक किलो के अंदर हाँ जी क्योंकि ये पूरा ड्राई हो जाना है इसने जब दूध में पकते जाना है तो उसने खुश्क होने के बाद जो खोया बचना है उसके साथ आपकी बर्फ़ी तैयार होनी तो इतना दूध ईजीलिया लग जाता है इसमें तो असन भी हमने देखा ना कि यहाँ से लोग यहाँ से डिलीवरियाँ जा रही हैं लोग आ रहे हैं और टी सी एस हो भी जा रहा है इस तरह कोरियर होके जा रहा है इस मतलब काफ़ी और भी तरीक़ों से जा रहा है क्योंकि यहाँ से लोग इस तरह नहीं है कि ये एक शॉप नहीं है जिस तरह घर से घर तक है और वाकई ये घर से घर तक है यहाँ से जाता है और आगे लोगों के घरों तक जाता है और इस तरह नहीं होता कि आया और लिया और खाया क्योंकि ये डब्बे में पैक होती है उसके बाद फिर क्योंकि बाहर मुल्क में भी जानी होती है या हमारे पाकिस्तान में भी जानी होती है अगर यहाँ से यहाँ लाहौर से कि नाजरीन ये लाहौर में कैनाल व्यू में वाक़ है ये एक ऑफिस है ये शॉप नहीं है तो ऑनलाइन वर्क होता है ये ऑनलाइन जाता है लाहौर से कराची भेजें तो इसको जाहिर है काफ़ी टाइम लग जाता है ग्यारह से पंद्रह घंटे लग जाते हैं कराची जाते जाते तो इसी तरह बाहर मुल्क में भी जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है ये कितने दिन इस बॉक्स के अंदर रह सकती है ये मिठाई ये भजन वैसे तो हम लोग बनाते हैं ऑर्डर्स के ऊपर जितने हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं हम लोगों की प्रोडक्शन उतनी होती है ठीक है ना हम लोग क्योंकि शॉप नहीं है तो हम लोगों ने जितने ऑर्डर्स हमारे पास आ जाने हमने उतनी ही प्रोडक्शन करनी है और ये एक दफ़ा आप फ्रेश इसको डिस्पैच कर दें सेम डे में तो ये तकरीबन आठ दस दिन तक खराब नहीं होती और टी तो नॉर्मली एक दो दिनों में डिलीवर कर देता है और दूसरे मुल्कों में भी जो लोग लेके जाते हैं वो तो फिर अपने साथ खुद कैरी करके लेके जाते हैं तो दस बारह दिन ये फ्रेश रहती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर्दियों में बल्कि इसकी एक्सपायरी ज्यादा है तो ये पंद्रह दिन तक भी आप इसको ईजीली फ्रेश रहती है ये मजाक से अफताक इकबाल साहब ने खलील रहमान कमर साहब ने की तारीफें तारीफे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हमारे स्टार्स हैं वो इतनी तारीफें कर रहे हैं और बाहर से भी इतनी तारीफें आपकी हो रही हैं तो कैसा फील कैसा हो रहा है ये ये अल्लाह का बड़ा करम है अल्लाह ताला ने हमारी जो मेहनत है हमें उसका सिला दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है और ये बस आप दोस्तों की दुआएँ हैं बस अल्लाह ताला का करम है जी बड़ी खुशी होती जाहिर है जब आप मेहनत करें और उसका आपको यानी कि फीडबैक मिले और अच्छे तरीके से मिले तो वो वाकई में बहुत खुशी होती है उस चीज की अच्छा तो अब क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ऑफिस है और ये शॉप नहीं है ये काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इसकी अब कोई बंदा कोई लोग इसकी फ्रेंचाइज लेना चाहे फ्रेंचाइज देंगे क्या करेंगे इसमें हमारा ख़ुद का तो प्लान ऐसा नहीं है कि हम लोग को शॉप जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की ऐसी वो नहीं है कि हम बैठ के सारा दिन एक शॉप पे गुजार सकें लेकिन ये है कि हम लोगों ने इसका यही रिजल्ट निकाला है कि अब हम इसको फिर दूसरे लोगों को फ्रेंचाइज़ इसकी ओपन करेंगे और ये तकरीबन इन शाला एक दो माह के अंदर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और फिर लब, स्टार्ट हम लाहौर से करेंगे लाहौर के अंदर फ्रेंचाइजेज़ देंगे फिर उसके बाद फिर अल्लाह खैर करे साथ साथ जैसे जैसे काम पड़ेगा दूसरे शहरों में करेंगे क्योंकि हमने उतना काम करना है जितना हमें दूध अवेलेबल हो खालिश क्वालिटी तो अब हम गिरा नहीं सकते लिहाजा हमारे पास जितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उतना ही हम लोग फिर काम फैलाएँगे स्टार्ट हम लोग लाहौर से करेंगे इन श्लासन भाई इसको ऑर्डर कराने के लिए क्या रास्ता है किस तरीके से लोग ऑर्डर करा सकते हैं इसको अच्छा इसका ऑर्डर करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है आप लोगों ने जस्ट अभी ये नंबर वगैरह आ रहे होंगे हम नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है व्हाट्सएप पे जाएं नाम लिखें एड्रेस लिखें और आप अपना वो नीचे ऑर्डर लिख देंगे वन के जी चाहिए या टू के जी आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपको यहाँ से टी सी एस के जरिए डिस्पैच हो जाएगा अगर आप लाहौर में हैं तो फिर हम लोग सेम डे डिलीवर भी कर देते हैं और फिर आप हमारे राइडर्स के थ्रू भी और कैश ऑन डिलीवरी आपने डिलीवरी के ऊपर कैश पे करना होता है तो जैसे ही डिलीवर होगा वो डिलीवर जो करने के लिए आएगा उसको कैश देंगे और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो हसन भाई इसमें कम अज कम कितनी की पैकिंग होती है और कम अज कम कितनी कितना ऑर्डर करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऑर्डर करा सकते हैं इसमें कम से कम तो वन के जी होना चाहिए एक किलो का होगा बॉक्स तो हम लोग इसको ऑर्डर कंसिडर करते हैं और उसको निकालते हैं यहाँ से टीसीएस। तो वन के जी मिनिमम होना चाहिए और फिर मैक्सिमम तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग उसको भिजवा सकते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन कम अज़ कम वन के होना चाहिए सही तो आप अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे जो आपसे इतना प्यार कर रहे हैं और आपके इस ब्रांड से इस बर्फ़ी से इतना प्यार कर रहे हैं और इसके अलावा और भी कुछ चीज स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे हमारे पास इसके अलावा ऑलरेडी तकरीबन अट्ठाईस आथ तीस प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे मेकिंग करते हैं और मेकिंग अभी इस तरह से कर रहे हैं कि अब हम लोगों के पास जितना काम बढ़ गया है अब हम लोगों ने उस काम को आगे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने घरों में जो ख़्वीन हैं उनको हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स दी है। वो प्रोडक्शन हमारे लिए करते हैं और हम लोग फिर यहाँ से उसको सेल आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे अपनी इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी कि हम हर चीज को इतना ज्यादा इस, इस तरीके से बना सकें उस काम को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया वह और अब हम जो उनसे इसको मतलब के करेंगे अल्लाह खैर करे जितना हो सका हमसे इसको मैनेज कर रहे हैं जी अल्लाह का शुक्र है तो चाहने वालों के लिए क्या कहेंगे इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहब्बत है आपका प्यार है बाकी हम अपना हंड्रेड परसेंट देते रहेंगे जी जिस तरह से अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसी तरह से ये चलता रहेगा और इसमें कोई कमी नहीं आएगी जो चीज़ आपको आज मिल रही है इन शाह साल बाद भी आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी और आपको कोई कम्प्लेन नहीं आएगी और हम यही आपके साथ वादा कर सकते हैं और आपके तावन को और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया सन का बहुत शुक्रिया तो हमने इस चीज़ को टेस्ट किया हम खुद आए हमने पहले टेस्ट किया मेरी टीम ने टेस्ट किया तो बहुत मज़े की ये बर्फ़ी है इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने हंड्रेड परसेंट नहीं दिया बिल्कुल हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है जब भी आएँ आँखें बंद करके के आएँ और खाएँ और साथ भी लेकर जाएँ मिलते हैं अगली वीडियो में जजाकल्ला खुदा